वेलकम माई YouTube फैमिली, कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब अच्छे होंगे। आज हम बनाने जा रहे हैं चिप्स कुछ अलग तरीके से। ये बच्चों को बहुत ही ज़्यादा अच्छे लगते हैं और देखने में बहुत ज़्यादा अच्छे लगते हैं, और आप ट्राई करिएगा, आपको बहुत पसंद आएंगे। और देखिए, बिल्कुल क्रंची बनकर रेडी हुए हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं इसकी रेसिपी। एक आलू ले लेंगे हम बड़े साइज़ का, और उसे बिल्कुल बारीक बारीक स्लाइस कर लेंगे, बिल्कुल पतला हमें काट लेना है आलूओं को, लंबे लंबे पीसीस में। अब इसे एक बाउल में कर लेंगे और इसे अच्छे से वॉश कर लेंगे, 3-4 बार अच्छे से वॉश कर लेंगे, जब तक कि हमारा पानी ट्रांसपेरेंट नहीं हो जाता और जितना भी स्टार्च है इसका निकल नहीं जाता आलूओं का। अब इसे थोड़ा सा जब सूख जाएगा तो इसे एक ट्रे पर रख लेंगे और इनका पानी बिल्कुल अच्छे से ड्राई कर लेंगे, बिल्कुल सुखा लेना है हमें आलूओं को। अभी मैंने लिया है कॉर्न स्टार्च, इसे हम आलूओं के ऊपर डाल देंगे अच्छे से और आलूओं को अच्छे से कवर कर देंगे, और फिर इस तरीके से हम इनको रोल कर लेंगे और ये बनकर हमारे रेडी है। और इस पर टूथपिक से हम इसके अंदर डाल देंगे ताकि इसकी शेप ख़राब ना हो, इसी तरीके से हम सारे बना लेंगे। देखिए, देखने में बहुत ही ज़्यादा अच्छे लगते हैं ये, इसलिए बच्चों को भी बहुत मज़ा आता है इन्हें खाने में। देखिए, बनकर हमारे रेडी हैं। मैंने एक तरफ ऑयल गरम कर लिया है, ऑयल को हम मीडियम फ्लेम पर रखेंगे और ये एक एक कर सारे पोटैटोज इसके अंदर डाल देंगे। चलिए इन्हें अच्छे से चला लेंगे और इन्हें क्रिस्पी होने तक हम फ्राई कर लेंगे। जब इनका कलर हल्का सा चेंज हो जाएगा तो जब हम निकाल लेंगे, देखिए इनका कलर चेंज हो चुका है, अब हम इन निकाल लेते हैं। और ये चिप्स रोल बनकर हमारे रेडी हैं। अब इनके सारे टूथपिक को हम निकाल लेंगे और ये हमारे रेडी हैं। अब इसके अंदर ऐड कर देंगे हम थोड़ा सा स्प्रिंकल कर देंगे सॉल्ट और थोड़ी सी लाल मिर्च। आप इसमें और भी मसाले ऐड कर सकते हैं। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगती है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए और शेयर करिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।